आप सबको स्वागत है। आज हम 30 अप्रैल की शुरुआत में आ पहुंचे हैं, महीने का अंत है और परमात्मा एक बहुत अच्छी सीख दे करके हमें जा रहे हैं आज। तो परमात्मा आज हमें समझाते हैं कि हम कभी भी कुछ अपने मुख से कहते हैं लेकिन औरों के ऊपर असर पड़ता नहीं है, क्योंकि हमारा योग नहीं होता है। कहने का अर्थ क्या है, हमारी इंटेंशंस जो होती हैं, हमारी जो वाइब्रेशंस होती हैं और हमारे जो शब्द होते हैं वो मैच नहीं कर रहे होते हैं। तो हमारे इंटेंशंस हैं किसका भला हो और हम कहें कि ऐसे करो जिसमें कंप्लेन हो, हम चाहते हैं भला हो लेकिन मुख से निकला कंप्लेन, तो दोनों मैच नहीं कर रहे बिकॉज दोनों अपोजिट फ्रीक्वेंसीज हैं। जबकि हम कहें कि इसका भला हो और हमारी इंटेंशन भी वही हो कि इसका कल्याण हो और वर्ड्स भी कंप्लेन करने के लिए वर्ड्स भी ऐसे निकले कि भलाई के लिए निकले कि आप ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा, ऐसे ना करेंगे तो और भी बेटर होगा, अब चॉइस आपकी है। तुम ऐसे क्यों करते हो, तुम्हें बोलना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं ऐसे करना, इंटेंशन ठीक थी लेकिन वर्ड्स थोड़े से नेगेटिव हो गए। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बोल और मनसा मतलब कि माइंड की जो फीलिंग और वाइब्रेशन है दोनों को बराबर बनाओ, तब जाके उसका असर पड़ेगा। बाय द वे ये जो वरदान है ये आपके वर्क प्लेस में, आपके घर में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, एज अ लीडर, एज एन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर, हर जगह पर आपको काम आएगा यही ज्ञान। तो आप इसको अपना सकते हैं लेकिन इसके पहले आप अपना इस वरदान को पूरा सुनिएगा। वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भवा। अब जब हम वर्ड सेवा सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें कोई स्पेशल कपड़े पहन करके कहीं पर जा करके ब्रह्मा कुमारी इसमें या किसी और संस्था के साथ में हमें मिल करके सेवा करनी है, हम फिजिकली वहाँ पर नहीं। सेवा आपके घर में भी हो रही होती है आपके बर्ताव से, सेवा आपके वर्क प्लेस में हो रही होती है आपके बर्ताव से। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप जिस तरीके से पेशेंट के साथ में आप ट्रीट करते हैं, बर्ताव करते हैं, वो भी एक सेवा है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप अपने टीम के साथ में जैसे बिहेव करते हैं ऐसे लीडर, वो भी सेवा है। हर जगह सेवा, चाहे आर्म फोर्सेस हो, चाहे पुलिस हो, चाहे मिनिस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह सेवा है, चाहे सांसद हो। तो परमात्मा कहते हैं वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना। वाचा तो है, बोला तो हमने, इंस्ट्रक्शंस बहुत देते हैं हम, लेकिन संकल्प शक्ति इंपॉर्टेंट है, दोनों सिंक में होना चाहिए, यही पावरफुल अंतिम सेवा है। जब मनसा सेवा और वाणी की सेवा दोनों का कंबाइंड रूप होगा तब सहज सफलता होगी। नहीं तो क्या होता है, हम बोल तो देते हैं लेकिन दूसरे लोग मानते नहीं, थोड़ी देर के लिए मानते हैं फिर असर हट जाता है, इससे दुगनी रिजल्ट निकलेगी। वाणी की सेवा करने वाले तो थोड़े होते हैं, मतलब कि जो कि स्टेज पे आके सेवा करते हैं, जो लीडरशिप की पोजीशन में होते हैं, जो बॉस होते हैं, थोड़े होते हैं वो उसकी राइट, बाकी क्या होते हैं, बाकी हेल्प करते हैं उनको, बाकी रेख देख करने वाले दूसरे कार्य में जो रहते हैं उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। मतलब ये क्या है, ये एक बैलेंस है, दोनों का बैलेंस चल रहा है। तो कुछ लोग हैं जो कि लीडरशिप में हैं और अगर लीडरशिप को फॉलो करने वाले लोग अगर अपोज करें, वो अपने लीडर के अगेंस्ट हो, तो पूरा का पूरा टीम ही खराब हो जाती है। एक बॉस हो लेकिन उसको फॉलो करने वाले जो दूसरे लोग हैं उससे उनकी सिंक नहीं हो, उनसे मिलना ना हो संकल्पों का, तो उससे भी क्या होता है लीडरशिप में ये प्रॉब्लम आती है उस ऑर्गेनाइजेशन में। घर में भी ये चीज़ है, बड़े बोल रहे हो लेकिन बच्चे हंस रहे हो तो सिंक नहीं होना। तो हमें कहीं ना कहीं चाहिए कि हम सब सिंक में काम करें, सिर्फ ब्रह्मा कुमारी इसके लिए नहीं है, आप सब भी एक परिवार हैं, तो परिवार में भी ये चीज़ होनी चाहिए। इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है, मतलब कि हर कोई फिर परमात्मा से जुड़ पाता है, हर किसी की वाइब्रेशन अच्छी रहती हैं और हर कार्य सफल होता है। हर एक समझे मुझे सेवा करनी है, तो वातावरण भी पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। सेवा क्या करनी है, घर में हो, बिजनेस में हो, ऑफिस में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, कहीं पर भी हो, हॉस्पिटल क्यों ना हो, हर जगह सेवा करनी है। तो सेवा करनी कैसे है, वो आप सिंक में कैसे आना है, वो आप आकर के ब्रह्म कुमारी में सीख सकते हैं।